देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने जो पॉट था वो कैसे कट किया है, ऐसे कट किया है। पॉट कैसे कट किया है अपन ने, ऐसे कट किया है ना। अब इसको ऐसे कट करोगे तो कलर कैसे करोगे। अब वापस देखिए पॉट को कैसे कट करना है। इसको अंदर की साइड से कट कीजिए, बाहर की साइड से नहीं, अंदर की साइड से कट कीजिए। जैसे हमने लीव्स को कट किया था वैसे के वैसे अंदर के साइड से कट कीजिए, तो आपके पॉट में भी कलर स्पॉन्ज अच्छे से हो जाएगा। देखिए कैसे कटिंग हो रही है पॉट की। सी अभी आ गया आपके पॉट का ये शेप, आपको ये शेप लेनी है, ठीक है, अंदर की शेप लेनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी कलरिंग। ओके अब हम क्या करते हैं, हमारी कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो पॉट को यहाँ पे रखिए, ठीक है, स्पॉन्ज लीजिए। अब आपको क्या करना है, कलरिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो अब पॉट को यहाँ पे रखिए, अच्छे से इसको पकड़िए, टाइटली पकड़िए इसको। अब इसके अंदर स्पॉन्ज करना स्टार्ट कीजिए। देखिए अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा व्हाइट टेक्सचर भी दे सकते हैं इसको, थोड़ा सा व्हाइट कलर लीजिए और उसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट टेक्सचर भी दे सकते हैं आप। देखिए अब मैं थोड़ा थोड़ा व्हाइट टेक्सचर दे रही हूँ उसके अंदर, जो क्या है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा ब्लैक कलर। देखिए अब इसको हटाइए, सी लुक एट द पिक्चर, सच अ नाइस स्पॉट है ना। अब हमें क्या लेना है, फ्लावर्स लेने हैं। क्या लेने हैं, फ्लावर्स लेने हैं। ये देखिए अब हम लेते हैं फ्लावर। अब फ्लावर को रखते हैं और इसके अंदर स्पॉन्ज देना स्टार्ट करते हैं। रेड कलर लिया हमने, स्पॉन्ज देना स्टार्ट किया। देखिए हमारा फ्लावर भी हो गया। अब दूसरी जगह वापस रखिए इसको, अगर वही पेपर रखना चाहते हैं तो वही पेपर रख लीजिए, नहीं तो दूसरा आप पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और स्पॉन्ज देना स्टार्ट कीजिए। लुक एट द लीव, अब हम लीव को लेंगे और उसके अंदर स्पॉन्ज देना स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत सुंदर आया है टेक्सचर। नेक्स्ट वापस से वही पेज लेना चाहते हो तो वही पेज लीजिए, और अगर आपने दूसरा बना रखा है तो दूसरा पेज यूज़ कर लीजिए, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यस देखिए तो इसी स्टाइल में आपको स्पॉन्ज देते हुए लीव्स बनानी है, तो ये आपकी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लीव्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सी द पिक्चर है ना, पिक्चर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और फ्लावर्स के बीच में अगर आपको ब्लैक सर्कल करना है तो वो आप ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन से आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लुक एट द पिक्चर, ये देखिए अगर आप पेंसिल भी यूज़ करना चाहते हैं तो पेंसिल की टिप पे कलर लगा के और आप उसको कर सकते हैं, है ना। देखिए पेंसिल की टिप पे ले लिया और उसके बाद में सर्किल बना दिया, तो ये क्या है, आपके सर्किल विदाउट स्केच विदाउट पेन भी बन सकते हैं। पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो नो डाउट, बट ये ज़्यादा सुंदर आ रहा है ना। पेंसिल की टिप पे क्या लेंगे, कलर लेंगे और उसके बाद में कलरिंग कर देंगे। और जैसे ये लाइनिंग्स भी है, लाइनिंग्स भी आप ऐसे भी बना सकते हो, पेंसिल के टिप यूज़ करके लाइनिंग बना सकते हो, और नहीं तो क्रेयॉन भी यूज़ कर सकते हो, क्रेयॉन से आप बना सकते हो। देखिए लुक एट द पिक्चर है ना, लुकिंग सेम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।